ना सिर्फ चलाना सिखाएंगे बल्कि ये भी सिखाएंगे कि कैसे कैसे ऑन होता है। कमांड प्रॉम्प्ट एक CUI होता है, क्या होता है CUI। तो CUI जो है इसका पूरा नाम होता है कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। C से कैरेक्टर, U से यूजर, I से इंटरफेस, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं और कभी कभी कमांड यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाना है। क्योंकि ये विंडोज 11 है तो स्टार्ट बटन पे जाओ, CMD लिखो और एंटर कर दो। देखो ये काली सी विंडो आएगी, यही कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट है। अब इसमें कुछ कमांड पूछे जाते हैं। इसका दूसरा तरीका खोलने का क्या है, विंडोज के साथ R प्रेस करना। ये विंडोज है और ये R है, तो विंडोज के साथ R प्रेस करने पे ये रन कमांड खुलता है। और यहाँ पर क्या टाइप करना है आपको, खाली लिखना है CMD। CMD जो है कीवर्ड है कमांड के लिए। ठीक है, एंटर कर दोगे यही ओपन हो जाएगा। दोनों तरीकों से खोला जा सकता है। ठीक है ना, अब इसमें सबसे पहला जो कमांड है वो MD चलाना है। MD माने होता है मेन डायरेक्टरी, चलाना है जो भी नाम यहाँ पे देना चाहे। जैसे मान लीजिए हम देते हैं रितेश, एक डायरेक्टरी रितेश नाम से बनाते हैं। MD माने मेन डायरेक्टरी, MD माने मेन डायरेक्टरी, तो ये रितेश नाम से डायरेक्टरी बन गई। अब इसके अंदर जाना है तो CD माने चेंज डायरेक्टरी, तो रितेश यहाँ फिर लिखना पड़ेगा तभी ना रितेश में जाएंगे। ठीक है, तो रितेश में चले गए। अब इसके अंदर एक फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने का कमांड होता है कॉपी कॉन, कॉपी स्पेस कॉन, और फिर यहाँ फाइल का नाम देते हैं। जैसे मान लो फाइल का नाम दे दिया काइट और यहाँ लगा दिया .txt। .txt किसके फाइल के एक्सटेंशन होती है, कल पढ़ाए थे, नोटपैड। किसका होता है, नोटपैड के फाइल के एक्सटेंशन होती है, तो ये .txt लगा दिया। फाइल तो बन गई किस नाम से, kite.txt। लेकिन अब हमको ये पता करना है कि बनी हुई फाइल में कुछ लिखना है। going to study कमांड प्रॉम्प्ट PROMPT। ठीक है, और कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, CTRL Z, एंटर कर देना। एंटर करोगे तो ये फाइल कॉपी हो जाएगी। हो गई, कॉपी हो गया ना, लिखा हुआ आया है फाइल कॉपी। ठीक है, अब मान लो कि तुमको देखना हो कि इसमें क्या लिखा है, हालांकि दिख रहा है लेकिन मान लो एक कमांड होता है CLS, ये चला दिया जाए तो ये दिखना बंद हो जाएगा। अभी हमको ये पता करना है कि हमारी डायरेक्टरी और फाइल कौन कौन सी बनी हुई है, तो यहाँ DIR चलाएंगे। DIR जैसे चलाएंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, कि रितेश के अंदर ही काइट नाम का एक फाइल बना। देखो, फोल्डर या डायरेक्टरी बनाना एक बात है और फाइल बनाना दूसरी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइप कमांड। तो इस तरीके से टाइप लिख करके क्या करना है, यहाँ लिखना है काइट, KIT, और काइट के फाइल के एक्सटेंशन क्या है, .txt। तो ये भी लगाइएगा, एंटर करिएगा। देखिए इसमें यही लिखा था ना, We are going to study कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस तरीके से काम करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको मन हो कलर को चेंज करने का, तो यहाँ कलर कमांड चलाइएगा, कलर हेल्प लिखिएगा, हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे, कौन से के लिए कौन सा कलर यूज करना है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे रेड कलर हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेड के लिए एक अलग कलर लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जैसे रेड के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे रेड के लिए देखो, यहाँ पे व्हाइट के लिए 7 है और रेड के लिए 4 है, यहाँ लिख देते हैं 4-7। तो 4-7 लिखा, तो देखो ये कलर चेंज हो गया ना। अब देखो, अब कुछ और लिखते हैं, फिर लिखते हैं कलर, अब इस बार कुछ और लिखते हैं। जैसे सपोज करो हमने लिख दिया 9, कलर 9 लिख देते हैं, तो 9 में ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो गया। ठीक है ना, इस तरह से कलर ये चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात।